नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेस्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन से हुई। इस औद्योगिक क्रांति के आगे बढ़ने के दो मुख्य कारण हैं। नंबर एक, ब्रिटेन को इजीली रॉ मेटेरियल का पहुंच जाना, और नंबर दो, इंडस्ट्रीज के द्वारा जो फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी इजीली अवेलेबल होना। रॉ मेटेरियल ब्रिटेन जितने भी ब्रिटेन के कब्जे वाले यानी गुलाम देश थे वहां से मंगा लिया जाया करता था, और इंडस्ट्रीज के द्वारा जो फ्यूल्स इस्तेमाल किया जा रहा था, मतलब इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए जो फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था वो था कोयला। तो कोयले का इस्तेमाल करके फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा था इंडस्ट्रीज के द्वारा। इससे भारी भरकम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन इन सबको दरकिनार करके ब्रिटेन ने उस समय काफी सारा मुनाफा कमाया। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने एनवायरमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बस अपना मुनाफा देखा। लेकिन दोस्तों, अगर आज यही इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण दुनिया के अलग अलग देशों में फैल रहा है तो ब्रिटेन और खासकर यूरोपियन यूनियन, यूरोप के जितने भी लगभग देश हैं, इनको परेशानी हो रही है। अभी कुछ ऐसा यूरोपियन यूनियन ने कर दिया है जिसकी वजह से भारत जैसे देश ने यूरोपियन यूनियन को जवाब देने की ठान ली है। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या, इसको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अभी 19 तारीख को मिंट के अंदर एक न्यूज पब्लिश हुई जिसके अंदर ये कहा गया कि इंडिया ब्रू इट्स ओन कार्बन लेवी टू हिट बैक एट यूरोपियन इंपोर्ट्स। मतलब अब भारत भी जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने भारत के एक्सपोर्टर पर टैक्स लगाया, इसी तरीके से जो यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट भारत के अंदर हो रहा है उस पर भारत टैक्स लगाने की सोच रहा है, और हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए टैक्स लगाया जाएगा, यह भी न्यूज पब्लिश की गई है। आखिरकार ये टैक्स है क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस टैक्स का नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको शॉर्ट में CBAM बोलते हैं। ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं, 1 अक्टूबर से इसी साल में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया, मतलब जितने भी एक्सपोर्टर हैं जो अपना सामान इन यूरोप देशों में सेल करते हैं, उन सबकी बात की जा रही है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब उन सभी को क्या क्या, ज्यादातर नॉर्मली ये देश एक्सपोर्ट करते हैं जैसे स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स। ये जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जो भी अपना एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट करते समय इनको एक डॉक्यूमेंट शो करना होगा, एक पेपर दिखाना होगा, और उस पेपर में इनको ये मेंशन करना होगा कि इन सभी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हुई, यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, मतलब कितना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा इन सभी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। 1 जनवरी 2026 से जितने भी यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी देश हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई CBAM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत हम एक तरीके का एक इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे डर्टी गुड्स पर। यानी कि डर्टी गुड्स का मतलब है वो प्रोडक्ट जिनको प्रोड्यूस होने में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट हुई है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है, उन पर हम एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, एक टैरिफ लगाएंगे। और आपको जानकर अचंभा होगा दोस्तों, इस ये CBAM लगभग 20-35% होगा, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो फाइनल कॉस्ट है प्रोडक्ट की जो एक्सपोर्ट होगा यूरोपियन यूनियन के अंदर, उस पर उसके टोटल कॉस्ट का 20-35% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। वैसे अगर मैं आपको बता दूं, अभी यूरोपियन यूनियन का जो एवरेज इंपोर्ट टैरिफ है वो 2.2%, यानी कि एक भारी भरकम टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है उन सभी एक्सपोर्टर्स पर जो अपने फाइनल गुड्स को यूरोपियन कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। यह इसकी वजह से जो भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इससे लगभग भारत का 27% एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होगा और भारत को हर साल लगभग $8.2 बिलियन का नुकसान होगा। अब इस बात से भारत नाराज क्यों है, भाई देखिए, यूरोप है, उसके यहां पर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर या एनवायरमेंट के अंदर दिक्कत हो रही है, तो अगर वो टैक्स लगा रहा है तो इससे दिक्कत क्या है। इससे भाई यूरोप ने कहा कि हम ये टैक्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने में कम CO2 एमिट हो, लेकिन भारत नाराज क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारत ने कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है एनवायरमेंट को ट्रेड से लिंक कर रहा है, अगर ये ऐसा करता है तो हम भी कुछ ना कुछ ऐसे ही करेंगे, क्योंकि वो समय कहां गया जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, उस समय जो गैसेस जनरेट हो रही थी उस समय यूरोप ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि भारत के अंदर भी उस समय प्रोडक्ट आ रहे थे, यूरोप से बनकर अन्य देशों में भी जा रहे थे, तो उस समय ऐसा क्यों नहीं किया गया, उस समय इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के क्यों नहीं दी गई बाकी देशों को। इसके अलावा यहां पर ये कहा गया है कि जो यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये बेसिकली नाम बदलकर एक तरीके की कस्टम ड्यूटी है, बस नाम बदल दिया गया, मतलब कस्टम ड्यूटी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म रख दिया गया है। और भारत ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर
आप इस टैक्स को वापस नहीं लेते, यानी कि जो मैकेनिज्म है जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके तहत आप एक टैक्स लगा रहे हैं, अगर आपने इस टैक्स को वापस नहीं लिया तो भारत भी जो पूरा आपके हिस्ट्री को पूरा खंगाल लेगा, और खंगाल के जो जो प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके उन सबको ध्यान में रखेगा, कितनी आपने इन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में गैसेज जनरेट की है, CO2 या अन्य ग्रीन हाउस गैसेज, उसी के हिसाब से आप पर भी हम टैक्स लगाएंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा और दिखा देता हूं दोस्तों, अभी तक अगर मैं 1750 से आज तक की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है तो वो किया अमेरिका ने, उसके बाद किए यूरोपियन यूनियन ने। तो सवाल उठता ये है दोस्तों कि भाई जब आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके गुड्स बना रहे थे तो उस समय तो आप शांत रहे, लेकिन अगर अब भारत जैसे देश अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके आपके यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, ठीक है, तो आप हम पर यह कह के टैक्स लगा रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स की वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए हम आप पर टैक्स लगा रहे हैं, तो ये तो एक तरीके की नाइंसाफी होगी। तो इस बात से भारत बहुत ज्यादा नाराज है यूरोपियन यूनियन से। अब देखिए मैं तो आपको थोड़ा WTO के नॉर्म्स बता देता हूं जिसको भारत ने कोट किया है और भारत ने यूरोपियन यूनियन को एक संदेश देने की कोशिश की है। WTO के नॉर्म्स ये कहते हैं कि ग्लोबल ट्रेड को एनवायरमेंट से इंटरलिंक कर ही नहीं सकते हैं, और इसके अंदर यह भी बताया गया है कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये कैन बी सीन, देखा जा रहा है एज ए नॉन टैरिफ बैरियर विच इज इलीगल अकॉर्डिंग टू WTO। भाई नॉन टैरिफ बैरियर जो इलीगल है WTO के द्वारा, तो जो आपका ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है एक तरीके से जो WTO के नॉर्म्स हैं उनको उन पर उनको उनका क्रिटिसाइज कर रहा है, उनकी अवहेलना कर रहा है। कुछ और मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अब देखिए भारत इस पे किस तरीके से अपना रिवर्ट कर रहा है, तो भारत की जो फाइनेंस एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि हम भी अगर ये टैक्स नहीं हटाया गया है, ये बेसिकली एनवायरमेंट के नाम पे जो मूर्ख बनाया जा रहा है, एक तरीके का टैक्स लगाया जा रहा है भारतीय प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि देखिए इस समय अगर मैं बात करूं कि भारत एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये टैक्स इकलौता भारत पे नहीं लगा है, और भी बहुत सारे देशों पे लगाया गया है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत की GDP बहुत तेजी से बढ़ रही है बाकी दुनिया के मुकाबले, यानी कि हम बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो गुड्स हम यूरोपियन कंट्रीज में सेल कर रहे हैं, तो बेसिकली एक तरीके से हमारे गुड्स को जो हम हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉमर्स ने स्पष्ट कर दिया कि अगर ये टैक्स नहीं हटाया गया, इस पर नहीं ध्यान दिया गया, तो हम भी जो प्रोडक्ट्स यूरोपियन कंट्री से भारत में आ रहे उन पर कोई ना कोई टैक्स लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके हम दो तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका तो उन्होंने कहा कि हम भी ठीक जिस तरीके से ये टैक्स लगाया जा रहा है एनवायरमेंट के नाम पर, हम भी सेम टू सेम ऐसे एक टैक्स लगा दें यूरोपियन गुड्स पर, या फिर दूसरा तरीका ये कहा गया है कि हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि किसी और तरीके से यूरोप के जो गुड्स भारत के अंदर है उन पर बंदिशें लगा दें। लेकिन दूसरे पर हमने अभी फोकस नहीं किया, हम पहले पर ही फोकस करने कि हम भी एनवायरमेंट के नाम पर यूरोपियन प्रोडक्ट्स को भारत में आने से रोक दें। अब सवाल उठता है कि आखिरकार वास्तविक रीजन क्या है, क्यों यूरोपियन यूनियन इस तरीके से कर रहा है, और आपको मैंने ये सभी कहा कि सबसे ज्यादा इस समय जो एक्सपोर्ट में तेजी आई है चाइना के बाद वो इंडिया के प्रोडक्ट्स में आई है। अब चाइना किसी की सुनता नहीं है, वो चाइना बेसिकली जिस तरीके के गुड्स का निर्माण कर रहा है वो दुनिया की आवश्यकता है। अब चाइना की कंपनीज धीरे धीरे भारत में आ रही, यानी कि धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत के अंदर बढ़ रहा है, औद्योगिकरण भारत में बढ़ रहा है, तो यानी कि भारत के गुड्स अब यूरोप में जाएंगे। तो आखिरकार क्या लग रहा है कि भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है? हाँ, वास्तविक रीजन तो यही है, लेकिन इसके पीछे अलग और भी कुछ कारण है। वो कारण क्या है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। नंबर एक, इंडिया रशिया के रिलेशंस, जिस तरीके से भारत और रशिया के रिलेशन उभरे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, और भारत बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है यूरोप की और अमेरिका की, किसके ट्रेड के मामले में, कच्चे तेल के मामले में, उससे भी यूरोपियन कंट्रीज भारत से नाराज हैं। वो चाहते हैं कि भारत और रशिया के संबंध अच्छे स्थापित ना हो। दूसरा, भारत की बढ़ती हुई GDP से परेशान है, और भारत के अंदर जो औद्योगिकरण हो रहा है उससे भी यूरोप परेशान है। क्यों? क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं इस समय यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और भारत उभरता हुआ एक सितारा है, तो यूरोप हुआ या अमेरिका हुआ, ये कभी नहीं चाहते कि दुनिया में इनके सामने कोई टिके। चाइना ने कोशिश की तो उसको ध्वस्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समय, तो इसी तरीके से कुछ एक्शन भारत पे लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत ने पुरजोर रिवर्ट किया है, भारत ने कहा कि अगर आप हम पर टैक्स लगाएंगे तो हम भी आप पर इसी तरीके का कार्बन टैक्स लगा देंगे, या फिर कोई दूसरा तरीका देखेंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स को भारत में एंट्री देने की, ठीक है, अवहेलना पूरी कर देंगे।
तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। तो सुपर कोचिंग में यूपीएससी 2024 के लिए एक फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर दी गई है जिसका नाम है निर्णय आईएएस। दोस्तों निर्णय आईएएस के मैं कुछ आपको फीचर्स बता देता हूं, जिसमें इसमें बेसिकली लाइव क्लासेस होगी, आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएगी, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर राइटिंग की भी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है, ऑप्शन सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं इसकी फीस कितनी है, तो इसमें आपको बता दूं दोस्तों निर्णय आईएएस का जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म आपके पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए, उसकी फीस 91,999 रुपए। लेकिन अगर मेरा कूपन कोड आप आरशर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फीस हो जाएगी 41,249 रुपए। लेकिन एक फायदे का सौदा मैं और आपको बताता हूं दोस्तों, टेस्ट बुक्स ने ज्ञान ध्यान और सफलता सेल शुरू की है जो 20 तारीख से स्टार्ट हुई है और 22 तक रहेगी। अब अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको निर्णय आईएएस का जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा 35,024 रुपए में। अब आप सोच रहे होंगे इस कोर्स को परचेज कैसे करें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और 35,024 रुपए में आप निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।